आज मैं बनाने वाली हूँ पोहे से बनने वाली एकदम झटपट नमकीन, जो कि बहुत टेस्टी बनती है और बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं ज्योति, कुक विद ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और नमकीन बनाने के लिए मैंने एक प्लेट परवल लिया है और कढ़ाई में मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है। और परवल को हम कढ़ाई में डाल के अच्छे से भुनेंगे। हमें बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल की या घी की ज़रूरत नहीं है, आप घी में भी इसको बना सकते हैं, एक चम्मच घी ले सकते हैं। लेकिन मैं इसको ऑयल से बना रही हूँ और इसको है ना हम बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसी तरीके से इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको 2 से 3 मिनट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और देख पा रहे हैं आप इस तरीके से ये क्रिस्पी हो जाता है। तो इसको हम तब तक बस भूनेंगे जब तक ये अच्छा से क्रिस्पी हो जाए। ये क्रिस्पी हो गया, हम इसको निकाल लेंगे। इस तरीके से बनाने से फ्रेंड्स नमकीन हमारी बहुत अच्छी बनती है। और फिर से फ्रेंड्स मैंने कढ़ाई ली है, एक चम्मच ऑयल डाल दिया है, उसके अंदर अब हम पोहा ऐड कर देंगे। पोहा भी मैंने एक प्लेट लिया है, इसको भी हमें सिम फ्लेम पे इसी तरीके से इसको भून लेना है। इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में ये भी भून जाएगा। इसको भी तब तक, पोहे को भी हमें तब तक भूनना है जब तक वो क्रिस्पी ना हो जाए, क्योंकि हमें जो नमकीन अगर करारी बनानी है तो इनको बिल्कुल सिम फ्लेम पे इस तरीके से इनको भून लेना है। और ये फ्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत झटपट बनती है। झटपट के साथ में ये टेस्टी भी उतनी ही होती है। इसको कभी भी आप बनाएं और एयर टाइट डब्बे में भर के रख दें, जो कि बहुत अच्छी लगती है। फ्रेंड्स हमने पोहे को भी भून लिया है, अब हम वापस से फिर से कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच ऑयल लिया है और अब इसमें मैं एक प्लेट मखाना डाल दूंगी। मखाने को भी हमें सिम फ्लेम पे इसको रोस्ट कर लेना है। अब आप बोलेंगे कि हम एक साथ भी इनको रोस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक साथ रोस्ट करने से क्या होगा कि पोहा, या तो पोहा जल जाएगा या परवल जल जाएगा या फिर मखाने जल जाएंगे, क्योंकि तीनों की जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो हम तीनों को एक साथ रोस्ट नहीं करेंगे और इनमें कोई टाइम नहीं लगता है, तो हम एक एक करके भी इनको रोस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो गया है और अच्छा क्रिस्पी हो गया। इसको भी हम अलग से अब निकाल देंगे। वापस से फिर हम वही कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हमें अब की बार हमें ना 2 से 3 चम्मच ऑयल लेना है, क्योंकि अब की बार मैं तड़का लगा रही हूँ। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने मोटी वाली राई, आधा चम्मच जीरा और कुछ पत्ते मैं इसमें करी पत्ते के ऐड कर दूंगी। करी पत्ते से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस नमकीन में, तो ये आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उसके बाद भी मैंने एक प्लेट इसके अंदर मूँगफली की ऐड कर दी है। ये कच्ची मूँगफली है, इनको भी हम 1.5 से 2 मिनट इसी तरीके से इसको बिल्कुल सेम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड्स इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, वरना क्या होगा कि मूँगफली हमारी जल जाएंगी। तो इसी तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ काजू भी ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे थोड़ा सा हेल्दी हो जाती है नमकीन और अच्छी भी लगती है। इसमें थोड़ा सा मैंने इस तरीके से नारियल को लंबा लंबा कट कर लिया है और थोड़े से मैंने इसके अंदर बादाम ऐड किए हैं। और ये बिल्कुल फ्रेंड्स ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो इनको डालें, अदरवाइज़ आप जो है काजू बादाम जो मैंने डालें वो आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मूंगफली से ही इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर किशमिश ऐड कर दी है इसको और अच्छा बनाने के लिए। इसी तरीके से अब 1 मिनट हमने इसको रोस्ट कर लिया। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे। मैंने स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है और इसमें आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सादा नमक यूज़ किया है। उसके बाद में मैं आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का ऐड करूंगी। हल्दी भी बिल्कुल एक तरीके से ऑप्शनल है, क्योंकि बाज़ार में आप देखते होंगे पैकिंग में जो कि प्लेन बिल्कुल वाइट कलर में भी इस तरीके की नमकीन मिलती है, लेकिन हल्दी डालने से थोड़ा सा जो दिखने में भी अच्छी लगती है। और लाल मिर्च भी बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप अगर जैसे नहीं खाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने उनको अच्छे से मिला लिया है, अब इसके अंदर हम नमकीन को डालकर अच्छे से मिला लेंगे। लगभग हमें 1 मिनट इसको अच्छे से इसी तरीके से, अभी हमने गैस को ऑफ नहीं किया है, हमें इसको तब तक ऐसे ही चलाना है जब तक इसमें अच्छे से कलर ना आ जाए। आधे से 1 मिनट मुश्किल से इसके अंदर लगता है और इसमें बहुत अच्छा सा एक बिल्कुल हल्का हल्का लाइट लाइट सा कलर इसके अंदर आ जाएगा। नमकीन बिल्कुल हमारी ना बाज़ार की तरह बन के तैयार होती है, जैसे बाज़ार में पैकिंग में मिलती है सेम वही वाली। और टेस्टी तो ये है ही, साथ में हेल्दी भी बहुत है। अब फ्रेंड्स देखिए नमकीन में बहुत अच्छा कलर आ गया है और इस तरीके से इसको ठंडा करके आप एयर टाइट डब्बे में भर के भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी बिल्कुल होममेड चिवड़ा नमकीन, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी है। तो फ्रेंड्स ये आप इस होली पे ज़रूर बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। मेरा तो होली का अभी जो नाश्ता है वो स्टार्ट हो गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक सिंपल सी रेसिपी शेयर की जाए।
तो जैसे जैसे मैं नई नई रेसिपी जो भी होली के लिए बनाऊंगी वो मैं आपके साथ ऐसे ही शेयर करती रहूंगी। और मेरी आपको कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और नमकीन देख के मुँह में पानी आया या नहीं वो भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।